उसका पासबुक तो कम से कम रखना पड़ेगा कि नहीं आप। लेकिन जब भी हम रक्षाबंधन के खाने की बात करते हैं इन सब को लहर जाता है लड़कों यस सर एकदम अंदर से इन सब में लहर जाता है, इन सब एकदम न्यूक्लियस हिल जाता है एकदम यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इन सब एकदम हम लोग को कुछ नहीं है, छुहारा तक नहीं खाने को मिलता है और इन लोग को एकदम पिज्जा उज्जा सब मिल रहा है यहाँ पर। सबसे बवाल तो चीज था पिज्जा, वो कह रहा है कि हमारा मशीन 8 क्विंटल का है, जो पिज्जा बनाने वाले मशीन है तो कह रहा है 8 क्विंटल का मशीन है कैसे जाएगा। हमको कैसे जाएगा, लेके गए यहाँ से चाटो को निकाल लाया से चढ़ा दिया से ऊपर भारी भारी मशीन चढ़ा दिया से। आगे बढ़ते हम लोग, चलो थोड़ा सा क्लास ले लेते हैं और थोड़ा सा कम में पढ़ाएंगे 9 बजे तक कम कहाँ थक गए ई कॉमर्स बेसिक कौन है लाइव कर दीजिए। अच्छा रुकिए, आपको एक आदमी से मिलाते हैं, गुजरात में पेंटर थे, अभी हम दिखाते हैं वो क्या है। गुजरात में ना नहीं बोलते, कोई लोहा पीटने जाता है, कोई 8,000 सात 8-10 हजार थे ना, वो गुजरात में पेंटर करते थे। एक पेंटर से आपको मिलाना है, एक वहां पे ना कॉन्फ्रेंस रूम में एक पेंटर बैठे हुए गुजरात से है जी, उनको एक बैठे हुए वहां पे। देखिए वो आइए खुशी, इनको देखिए ये इनकी परिस्थिति ऐसी थी, आप अपने मुंह से बताइए कि आप क्या करते थे और यहाँ तक कैसे कैसे आए आप। अच्छा ये अजीत सर माइकोल को गजब अच्छा ये अजीत सर की पहचान है, इसको गोल कर देते हैं। खाओ अपना अपना है चश्मा की तरफ पहन लीजिए, बस चश्मा जो समझता नहीं आता। हाँ आप अपने बारे में बताइए, गुजरात में क्या करते थे। जय हिंद। जय हिंद सर, पहला बार इतना भीड़ देखे हम सर। मेरा नाम गुलशन कुमार माजिद हुआ, मेरा लाइफ बहुत सारा स्ट्रगल रहा, जैसे मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तुरंत हम फेल गए 2018 में, महंगा महंगा कोचिंग में सिवान जाते थे, साइकिल से जाओ आओ, फिर दिक्कत हुआ, पैसा नहीं, मेरे बाबा कोचिंग 4,000 रुपया में दे रहा था पूरा सिलेबस के लिए, नहीं हो पा रहा, तो हम तुरंत फेल करे। फिर हमको मोबाइल मिला यानी लेनोवो का, उससे पढ़ाई किए यूट्यूब से और तुरंत अगले 2019 में हम 70% से पास कर गए। इसलिए इंटर पास कर गए सर। 2022 में हम डीडी यूनिवर्सिटी से गोरखपुर से ग्रेजुएशन किए डीडी। जी सर, उसमें बहुत समस्या ऐसा आ गया था कि रेलवे ग्रुप डी का फार्म आया था, हम लोग भरे थे, मेरे एक पड़ोसी में चाचा का लड़का रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, तो हम सिर्फ पा गए थे कि उनका तो हो गए लड़कवा के तबरो हो जितना कर गया स्थिति ऐसा कि हमको फिर ग्रुप डी की एग्जाम दिए, बहुत दिक्कत आ गया था, फिर हमको गुजरात कमाने चले गए, गुजरात अहमदाबाद में चले गए, कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन पापा जब घर पहुँचते होते थे कि बाबू हमारी उम्र तो 65 साल हो गए बैठे, और तुम्हें कमाई लगेगा तो फिर कहाँ से हमने बुढ़ापा का सहारा हो, 12,000 की नौकरी करते में कहाँ हो, 12,000 तनख्वाह मिलता, 12 घंटा का 12,000 अरे बाप रे बाप, जान निकाल देगा। यही वजह है ना कि बिहार के मजदूरों को लोग सोचते हैं 1,000 कहाँ मिलेगा, 12 घंटा 30 दिन तक काम करो तब जाके 12,000 का क्या, 400 रुपया के लिए 12 घंटा। हम एक बार क्या बोलते हैं कि 24 घंटा काम किए 800 रुपये के लिए, दीवार के सहारे खड़ा हो गए, खड़ा जून आता है सबको आता है, गिर जाते थे आदमी, लेकिन फिर मैं गुड्डी का रिजल्ट आया उसमें मेरा नहीं हुआ था, बहुत उम्र हुए, पापा बोलते कि छोड़ दा आ जा घर, हम कमाए जान लो,
अब 65 साल की उम्र पापा जा रहे थे कमाने, लेकिन दिल्ली गए ओवर एज में छाट दिए, सब कंपनी जा रहे थे ओवर एज में, नहीं 60 साल हो गया अब कहाँ से काम होगा, आंखें मोतिया बिंद नहीं दिखाई दे रहा है, क्या सिक्योरिटी गार्ड करिएगा। मतलब पिताजी आपके सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, 65 साल की वजह से छाट देते, अमूमन बूढ़े लोग को नहीं लेते। तब वो है उत्तराखंड जा रहे हैं, भेज देते हैं आपको वहाँ काम दिला देते हैं। तो पापा से बोले कि आप उत्तराखंड तो कभी गए नहीं है, ठीक है ना, उधर पहाड़ी एरिया आप आ जाइए, ठीक है ना, घर पे खेती करिए, देखिए खेती भी जरूरी है, नहीं तो पेट भी नहीं भरेगा, ठीक है ना, बट ये खेती बोलते हैं हम लोग, और घर का अपना खेती है नहीं, एक कट्ठा ही है। नहीं नहीं सही बात है, सही बात है। हम लोग आ गए तो वहाँ पर फेल हुए थे खेती में गुजरात में, तो सर के वीडियो हम देखे थे, बोले थे ना जिसको भी पता है अगर बाबर के बारे में इतना पता है कि उसको केमिस्ट्री में नहीं हिस्ट्री में पढ़ना है ना, वो मात्र दरोगा 4 महीने में बन जाएगा। हम तो सोचते थे कि हम लोग पढ़ते हैं बाबर की हिस्ट्री में पढ़ना है, बाबर का है ना फेल हो गए, लेकिन दरोगा बहुत बड़ा हो जाता है, दरोगा वीडियो में हो जाता है, काशी में तो हो जाता है। अब मेरी घर वाले कभी जिंदगी में आज तक ले घर में अकेलौता हम पढ़े हैं, 6 भाई मैंने 4 भाई को घर में अकेलौता हम मैट्रिक पास किए, कोई मैट्रिक का 5वां तक नहीं पढ़ पाया पैसा के चलते, तो छोटे हम हैं इसलिए हमको मिल गया सब सपोर्ट की कोई 500-1000 रुपये भेजे थे भाई लोग, इसलिए मेरे बड़े भैया हमेशा हमेशा देते थे रूम भाड़ा के लिए किसी तरह का, तो मेरे यहाँ से कम चल जाता है। तो हम गुजरात से पापा से बोले, पापा मेरा ठीक है आ जाओ बेटा 5-6 महीने कमाए रुपये में चले 12,000 में कुछ, जैसे उससे सैलरी आया उससे खत्म, एक दिन में खत्म, फिर 30 दिन इंतजार करो पैसा के लिए, घर भेज देते हो।